नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप दोस्तों हाजिर हूँ आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, ये हम माजून बना रहे हैं, माजून बरगद। अब दोस्तों, पीछे मैंने वीडियो अपलोड की थी, मैंने सारी चीज़ें दिखाई थी, जो जो इसमें जड़ी बूटियाँ डालनी थी सारी आपको दिखाई थी, और जो इसमें भस्में डाली गई थी वो भी दिखाई थी। तो अब दोस्तों, वो मजून हम दोबारा से बना रहे हैं। दोस्तों, शीघ्र पातन न मर्दी धात स्वपन दोष ए टू जेड कोई भी गुप्त रोग हो, शुक्राणुओं की कमी हो, मर्दाना कमजोरी हो, शुक्राणु कमजोर हो, धात आती हो, कमर दर्द करती हो, एड़ियों में दर्द होता हो, घुटने दर्द करते हो, तो इन सारी चीज़ों में ये दोस्तों काम आने वाला है। अब दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, कुछ लोग कहते हैं कि शहद को गर्म नहीं करना चाहिए, मगर जब हम माजून बनाते हैं तो शहद को गर्म करना ज़रूरी होता है, क्योंकि शहद में जो भी नमी होती है उसे कंट्रोल करने के लिए, और फिर जब शहद को थोड़ा गर्म कर लिया जाता है तो उसकी पावर कई गुना बढ़ जाती है। अब दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है, गलती से भी शहद ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि अगर शहद आपने ज़्यादा गर्म कर लिया तो फिर वो खाली चाशनी रह जाएगी। शहद को हल्का गर्म करना है, ज़्यादा नहीं, और साइड में बर्तन को हाथ लगा के चेक करते रहना है, और शहद को भी चेक करना है कि ज़्यादा गर्म तो नहीं हुआ। इस चीज़ का खास ध्यान रखें, अभी ये शहद बहुत हल्का गर्म है, बहुत हल्का। तो अब हमें इसमें डाल देना है बड़का दूध। इसमें बड़का दूध हमें डालना है 200 ग्राम। ये दोस्तों शीघ्र पातन न मर्दी के लिए, और ख़ास करके सर्दियों के मौसम में तो बहुत शानदार चीज़ है। अब इसमें हमने बड़का दूध मिक्स कर दिया है, अब हम इसमें बाकी का मटेरियल डालेंगे। शिंगरब बस मसाला होता है, इसमें दोस्तों हम शिंगरब भस्म भी डालेंगे, और इसके अलावा इसमें डालेंगे लोहा भस्म। ये बहुत ही पावरफुल फार्मूला होने वाला है दोस्तों। ये चीजें आज के टाइम पे बहुत रियर है, बहुत कम लोग इन चीजों को बनाते हैं, क्योंकि इनमें काफी ज्यादा झंझट होता है। ये इसमें हमने डाल दी शिंगरब भस्म, लोहा भस्म भी लाओ कर ली उठा। बस दोस्तों, अच्छे से इसे मिक्स करना होता है। ये सारी चीज़ें दोस्तों बहुत अच्छे से मिक्स करनी होती हैं,
ताकि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा बने। छोटी वाली इधर पड़ी होगी, हो गई। बकरा ना पकड़ लो, दाल दाल इसमें डाल दो। कैसी है वैद्यनाथ की देखना।